नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदौरी मनोरंजन पर। और आज हम जाने वाले हैं सहस्त्रधारा, जो कि इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं सहस्त्रधारा, और आप लोग देख सकते हैं पीछे ये रास्ता है। अब यहीं रास्ते पे आपको जाके गाड़ी पार्क करनी है, और इसी के बाद में आपको आगे चल के जाना पड़ेगा। अभी मुझे तो वैसे पानी बहुत कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा और फिर आगे जाकर हम लोग पानी तक पहुँच पाएंगे। तो अभी हम लोग दिखाते हैं कि गाड़ी हमने कहाँ पार्क करी है और किधर से हम लोग कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केले की चिप्स, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ मिलती हैं। अब यहाँ से हमें रोड ख़त्म हो गया, वहाँ से जाना पड़ेगा चट्टानों पर चढ़ के। चट्टानों को क्रॉस करते हुए वहाँ आगे जाना है जहाँ पे पानी दिख रहा है। तो चलिए अब चलते हैं और समझते हैं कैसे जा पाएंगे। थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है, तो कृपया करके स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर आएं, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनकर आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है आगे चलने में। अभी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी आगे तक आ गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतरेंगे, ये नदी क्रॉस करते हुए वैभव सोनी। ये रहा पानी, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, यहाँ से जाना पड़ रहा है हमें। हमारे मित्रगण आगे जा रहे हैं और अभी हमें जूते गीले करने पड़ते हैं। बच गए जूते गीले करने से। सबसे ज्यादा मशक्कत हमें कब करनी पड़ रही है वहां तक पहुँचने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, मेहनत रंग लाई और काफी चलने के बाद में हम लोग उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो नजारा। तो गाइज, आपने देखा ये खूबसूरत नज़ारा, मज़ा आ गया यहाँ पर आकर। बस यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे दूसरी ओर, और आई होप सो कि आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। आप लोग आ सकते हैं, बाकी यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। पत्थर काफ़ी चिकनाहट भरे हैं, ऊँचे नीचे पत्थर हैं, तो कृपया ध्यान करके इस पर चलें। आप वहाँ जाते भी तो काफ़ी दूर खड़े रहें, हम लोग भी काफ़ी दूर खड़े रहे थे, तो कृपया करके ध्यान रखें। काफ़ी खूबसूरत जगह है, ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। हमने आपको यहाँ बताया कि आपको इंदौर से यहाँ आने में कितने किलोमीटर का फासला तय करना होगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद में आपको हमने यहाँ के बेस्ट सीन दिखाए हैं, जो कि पत्थरों की चट्टानों को पार करते हुए हम लोग गए थे वहाँ पर। और यहाँ पे एक सावधानी ज़रूर रखें आप लोग, क्योंकि यहाँ पे पत्थर काफ़ी ऊंचे नीचे हैं, तो आप आए तो स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर ही आए। उसके बाद में हमको एक जगह मिली थी जहाँ पे काफ़ी कम पानी था और यहाँ पे सब लोग नहा रहे थे, तो आप ऐसी कोई जगह देखकर नहा सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा गहरा ना हो। तो गाइज, यहाँ वीडियो हमारी समाप्त होती है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और यहाँ जब भी आएँ तो थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।